दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस के बारे में। शायद आपको पता हो आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें हर रोज अगरबत्ती नहीं जलाई जाती हो। इस कारण इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बिजनेस जो है आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, अपने गांव में, घर में, अगर सिटी में रहते हैं तो सिटी में। दोस्तों अगर आप इसकी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने इस बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे इस बिजनेस को कैसे शुरू करें, कितनी जगह की हमें जरूरत होगी, हमें मशीन कौन सी चाहिए, ये मशीन जो है मिलेगी कहाँ, इसकी रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगी, इस बिजनेस को शुरू करने में लागत कितनी आएगी और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, और एक प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बिजनेस को शुरू करके आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता होगी। आपको बता दूं कि अगर आपके पास 10 बाई 10 का एक रूम है तो आप इस बिजनेस को आसानी से वहां शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। गांव हो या शहर, हर जगह इसकी डिमांड है। इस कारण आप इस बिजनेस को कहीं दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मशीन हमें मिलेगी कहाँ। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस बिजनेस को अगर हम शुरू करते हैं तो हमारा जो है एक दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा। आप देख सकते हैं वर्कर्स, रॉ मटेरियल, यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंसेस पर डे, ये एक दिन का लेखा जोखा है। आप देख सकते हैं अगरबत्ती प्रीमिक्स पाउडर चाहिए हमें 20 केजी, अगरबत्ती स्टिक 8 केजी, अगरबत्ती परफ्यूम 1 केजी, DEP ऑयल जो है 4 केजी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करेंगे 100 रुपये, मिसलेनियस पर 100 रुपये, पावर पर 100 रुपये, और वर्कर अगर दो रखते हैं 400 रुपये दोनों को देते हैं डेली, तो 800 रुपये इसके हो जाएंगे। दोस्तों ये एस्टीमेट जो है 28 केजी का है, आप देख सकते हैं, लेकिन 3 केजी मान लीजिए वेस्ट हो जाए तो हमारा 25 केजी फाइनल जो प्रोडक्शन होगा वो निकलेगा, जिसमें अगरबत्ती प्रीमिक्स पाउडर जो है 20 केजी लेंगे, ये 20 से 30 रुपए केजी मार्केट में मिल जाती है, 600 रुपए की ये हो जाएगी। अगरबत्ती स्टिक जो है 800 रुपए का है, यानी कि 100 केजी लगे, 100 रुपए केजी है, 8 केजी 100 रुपए के केजी, तो 800 रुपए अगरबत्ती स्टिक का। अगरबत्ती परफ्यूम 1 केजी 500 रुपए केजी मिलता है मार्केट में, 500 रुपए इसके, और DEP ऑयल जो है 4 केजी लेना होगा, ये 440 रुपए इसके हो जाएंगे। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर जोड़ेंगे तो 3,440 रुपये आपके आएंगे। प्रोडक्शन कितना होगा 25, यानी कि 25 केजी। अब दोस्तों ये सब सामान रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ मिलेंगे, आगे देखते रहिए, हम वीडियो में आपको बताएंगे। जान लेते हैं बिजनेस के प्रॉफिट रिपोर्ट के बारे में। आप देख सकते हैं ऊपर मशीन कैपेसिटी इन वन डे 25 केजी, यानी कि 25 केजी का फाइनल प्रोडक्शन आप इस मशीन से निकाल सकते हैं एक दिन में। वैसे इस मशीन से आप एक दिन में 50 केजी तक फाइनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है 2,340 रुपए का आपका रॉ मटेरियल 25 केजी का प्रोडक्शन निकालने में लगेगा। उसके ऊपर होने वाले खर्च जैसे यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेज, इन पे आपको 1100 रुपए प्रतिदिन खर्च करने होंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया हमारा 3,440 रुपए 25 केजी के लिए। अगर इसका मार्केट प्राइस देखा जाए, मार्केट सेलिंग प्राइस वन पैकेट 25 ग्राम का पैकेट हम पैक करेंगे जो कि मार्केट में 10 से 12 रुपए में मिलती है खुदरा मूल्य में, लेकिन हमें इसे 8 रुपए में ही देना होगा, एक पैकेट 8 रुपए का। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 25 केजी है, टोटल पैकेट हमारा 25 ग्राम का बनेगा 1000 पैकेट। 1000 पैकेट टोटल सेल इन वन डे, यानी कि 1000 पैकेट 8 रुपए के हिसाब से आप देख सकते हैं सेल करेंगे तो हमारा 8000 रुपए का एक दिन का सेलिंग प्राइस आएगा। प्रॉफिट इन वन डे, आप प्रॉफिट निकालते हैं तो 8000 जो सेलिंग प्राइस है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,440, तो 8000 माइनस 3,440 यानी कि
4,560 रुपए हम एक दिन में इनकम कर सकते हैं इस मशीन से। उस हिसाब से हम देखें एक महीने में तो 4,560 × 30 यानी कि 1,36,800 रुपए हम एक महीने में कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, इतना सेल नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन सेल नहीं हो पाता है, तो सिर्फ 5 kg का प्रोडक्शन कीजिए आप अकेले काम करके। 2 आदमियों का जो वर्कर का जो खर्चा है, पेमेंट है, वो भी आपका बचेगा। अगर 5 kg का प्रोडक्शन करते हैं और 5 kg सेल कर देते हैं तब भी आप 27,360 रुपये महीने में कमा लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट और न्यूज़पेपर के माध्यम से। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।